संजय नगर में एक महिला की मौत का मामला सामने आया था और महिला की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला की मौत नहीं हुई है, उसे जहर देकर मारा गया है। उसके पास मरा हुआ सांप रख दिया गया और जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि महिला की मौत 8 घंटे पहले ही हो चुकी है। संदेह के आधार पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। कनाड़िया थाना पुलिस के मुताबिक रविवार को शिवानी 35 पति अमितेश पटिया की मौत हो गई थी। पति और किराए से रहने वाले निखिल शव लेकर अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया। जब इसकी जानकारी ललितपुर में रहने वाले परिजनों को मिली तो वो इंदौर पहुंचे और भाई अनुपम चौबे ने बताया कि शिवानी की शादी 13 साल पहले हो चुकी थी। उसकी 8 साल की बेटी और एक 4 साल का बेटा भी है। भाई का कहना है कि पति अमितेश दिल्ली में एक युवती के साथ लिव इन में रह रहा था। पति ने शिवानी से तलाक लेने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कुछ महीने पहले अमितेश ने खुद ही राजीनामा भी कर लिया था। रविवार को मौत के दौरान पति और बच्चे घर से बाहर चले गए थे। जब शिवानी मृत मिली तो उसके शरीर पर पीटने के निशान भी नजर आ रहे थे। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा, इसलिए FSL की टीम के माध्यम से शव का परीक्षण कराया गया तो ये बात सामने आई है कि शिवानी की मौत 8 घंटे पहले ही हो चुकी थी और उसके पास मरा हुआ सांप रख दिया गया था ताकि ऐसा लगे कि सांप के डसने से महिला की मौत हुई है। सोमवार को FSL की टीम द्वारा पोस्टमार्टम कर दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का सही पता चल सकेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।